अबे यार, अब मेरा रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, अब इंटीमेसी का कोई चांस ही नहीं बचा। क्यों भाई, दो लोग दूर रह के भी तो इंटीमेट हो सकते हैं। पर कैसे, आपको भी जानना है? तो सुनिए, द आंसर इज सेक्सटिंग। आप और आपके पार्टनर दूर रह के भी सेक्सटिंग के जरिए इंटीमेट हो सकते हैं, पर उसके लिए स्किल्स की जरूरत होती है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल सेक्सटिंग, जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखना। पर ये सेक्सटिंग होता क्या है? आसान शब्दों में, जब तुम अपने पार्टनर को मैसेज, फोटोज या वीडियो में थोड़ा स्पाइसी कॉन्टेंट भेजते हो और उसके थ्रू तुम लोग मास्टरबेट कर सकते हो टू डिराइव प्लीज। पहले ये बहुत अननोन कॉन्सेप्ट था, पर अब ये बहुत ज्यादा कॉमन बन चुका है, वो भी उन कपल्स के बीच में जो लोग दूर रहते हैं। सेक्सटिंग करने के काफी रीजन हो सकते हैं, जैसे इंटीमेसी बढ़ाना, रिलेशनशिप को स्पाइसी बनाना या फिर फैंटेसीज एक्सप्लोर करना। ये एक तरीका है अपने पार्टनर से खुले मन से बात करने का, जिससे आप एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हो। सो इफ यू वांट टू सेक्सटिंग एंड मास्टर द डर्टी टॉक्स, हियर आर द 9 थिंग्स दैट यू शुड नो। नंबर 1, कंसेंट और कम्युनिकेशन। कंसेंट हर एक हेल्दी और रिस्पेक्टफुल सेक्सुअल कम्युनिकेशन का बेस है। डिस्कस करें कि कौन सा कंटेंट एक्सेप्टेबल है और एक सेफ वर्ड या सिग्नल एस्टैब्लिश करें, जिससे अगर कभी कोई अनकंफर्टेबल फील करे तो वो इंडिकेट किया जा सके, और उन्हें क्लियर कर देना कि कंसेंट कभी भी विथड्रॉ किया जा सकता है। इट्स 2024 एंड सेंडिंग दोस पिक्चर्स विदाउट कंसेंट इजंट कूल। अपने पार्टनर की प्राइवेसी और बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना सेक्सटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बिना कंसेंट के एक्सप्लिसिट कंटेंट बिल्कुल शेयर मत करना, और बिल्कुल प्रेशर मत डालना अगर तुम्हारा पार्टनर अनकंफर्टेबल है तो। उनके पेस को समझे और पूरे प्रोसेस में उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखें। नंबर 2, सही प्लेटफॉर्म चूज करो। सेक्सटिंग के लिए सही प्लेटफॉर्म चूज करना बहुत जरूरी है। ये मेक श्योर करना कि वो प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी, प्राइवेसी और एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन के साथ हो, ताकि आपके इंटीमेट मैसेजेस को कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर सके। सिग्नल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप्स जो प्राइवेसी फीचर के साथ आते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। नंबर 3, टीजिंग से एंटिसिपेशन बनाए। सेक्सटिंग एक सिडक्शन का आर्ट है, जो सिर्फ एक्सप्लिसिट कंटेंट भेजने से काफी ज्यादा है। स्टार्ट करें टीजिंग मैसेजेस से, जो आपके पार्टनर की इमेजिनेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके, और एक नरेटिव बनाए जो धीरे धीरे अनफोल्ड हो एंटिसिपेशन को बढ़ाते हुए। सो टीज योर पार्टनर एज मच एज यू वांट। नंबर 4, क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे नहीं। सेक्सटिंग में क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बेटर होती है। पार्टनर एक के बाद एक मैसेज या फिर इमेजेस भेजने के बजाय ये फोकस करें कि वो थॉटफुल और मीनिंगफुल मैसेजेस भेजें, जो आपकी सेक्सुअल डिजायर को थोड़ा ज्यादा बूस्ट कर सकती है। पेसिंग और टाइमिंग का ध्यान रखें, ताकि एंटिसिपेशन और एक्साइटमेंट बनी रहे। नंबर 5, मेमोरी का यूज करें। कुछ भी मेमोरीज हो, जैसे आप दोनों ने अच्छा टाइम बिताया हो, तो उन मेमोरीज को यूज करके इमेजिनेशन बिल्ड करो। फॉर एग्जाम्पल, याद है जब हम गोवा बीच में थे, अगर हम वहाँ अकेले होते तो तुम क्या करते। नंबर 6, गेट क्रिएटिव बट कीप इट टू यू। यूज क्रिएटिव वर्ड्स, बट उस चक्कर में क्रिंज मत बन जाना। वही करो जो नेचुरली आता है, डोंट प्रिटेंड और ट्राई टू बी समवन एल्स। फॉर एग्जांपल, तुम्हें हिंदी में सेक्सटिंग करना पसंद है, बट यू जस्ट वेंट इन एंड स्टार्टेड सेक्सटिंग इन इंग्लिश। इससे क्या होगा कि आपके पार्टनर को लगेगा कि आप फेक कर रहे हो। तो बी क्रिएटिव बट लिमिट में। नंबर 7, ask question। सेक्सटिंग के बीच बीच में क्वेश्चंस पूछने हैं, जैसे कि क्या तुम कंफर्टेबल हो मेरे साथ, क्या तुम ये करना चाहोगे। क्वेश्चन मेक्स इट इंटरेक्टिव एंड फन। सेक्सटिंग करनी है, कोई मोनोलॉग नहीं लिखना। नंबर 8, बॉडी पॉजिटिविटी। हाँ दोस्त, सेक्सटिंग में भी बॉडी पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। कभी भी बॉडी शेम नहीं करना है अपने पार्टनर को। मेक देम फील कंफर्टेबल इन देयर स्किन। उन्हें फील कराओ कि उनकी बॉडी यूनिक और स्पेशल है, और अगर तुम्हारे पार्टनर को कोई भी इनसिक्योरिटी है अपनी बॉडी को लेके, तो उसे रिजॉल्व करो। नंबर 9, सेक्स टॉयज। कभी सेक्सटिंग में सेक्स टॉयज यूज करे हैं? नहीं किया तो ट्राई करो, यू कैन गो इट इन टू वेज। पहले तो आप दोनों ही तरफ सेक्स टॉयज यूज कर सकते हो, बट और भी बेटर होगा अगर आप लोग कंट्रोल्ड सेक्स टॉयज यूज करो। अरे वही रिमोट वाला, यानी कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी बॉडी कंट्रोल कर सकता है बाय स्टेइंग ऑन द अदर साइड। सो देयर यू गो, देयर यू हैव इट, 9 वेज टू मास्टर योर सेक्सटिंग इन 2024। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड टेल अस इन द कमेंट्स कि व्हिच टिप इज यूजफुल फॉर यू।